यहाँ करना मुश्किल पड़ रहा है। दो बच्चे हैं, एक परिवार है, उसको चलाना बड़ा दिक्कत। पापा भी हैं तो वो भी बीमार रहते हैं, अकेले खर्चा चल नहीं पा रहा है। अब इसके अलावा क्या करेंगे बताइए। पिछले 8 सालों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट रही हैं, उसके अंदर जब भी कुंभ मेले का मामला आया है तो उसमें इंडस्ट्री हर नहान से 3 दिन पहले खुद अपना वाटर डिस्चार्ज जो है रोक देती थी, क्योंकि हमें इस बात का हमारे हिंदू भाइयों के सेंटीमेंट्स का पूरा एहतराम करते हुए, ये नहीं कि हमारा पानी खराब है बल्कि इसलिए कि उनके उसका एहतराम करते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उनको किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट ना हो कि पानी टैंकियों से आ रहा है, इसके अंदर वो पानी है, तो हम लोग खुद ही एक भाईचारगी में कह लीजिए, एक ब्रदरहुड के सिलसिले में, कि हम लोग हर नहान से 3 दिन पहले अपनी टैंकीज का वाटर डिस्चार्ज बंद कर देते थे। करीब 6 नहान होते हैं तो 6 से 18 20 दिन का, यानी कि 3 महीने के पीरियड के अंदर 18-20 दिन के हम लोग खुद ही अपने इस बात को कंसिडर करते हुए टैंकीज को बंद कर दिया करते थे, और उसमें किसी को भी कोई एतराज कभी नहीं हुआ। इन 8 सालों में ना तो पब्लिक को एतराज हुआ, ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कोई एतराज हुआ कि उसके अंदर किसी तरह का ये हुआ कि भाई हमने जब ये वादा किया है कि 3 दिन हर नहान से पहले हम पानी बंद कर देंगे तो किसी ने पानी को डिस्चार्ज किया हो या किसी को हमारी वजह से तकलीफ हुई हो। तो जब ये चीज पिछले 8 साल में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है तो वही चीज अभी भी की जा सकती थी। देखिए, प्रयागराज कुंभ में जो 2019 का कुंभ का आयोजन हो रहा है वो 15 जनवरी से 19 से और 15 मार्च तक का है, लेकिन हमारे यूपी परिसंपर बोर्ड ने यूपी सरकार के अनुमोदन से एक कार्ययोजना बनाई हुई है कि कुंभ मेले के दौरान किसी भी उद्योग का शुद्धिकृत या अशुद्धिकृत जो है उत्प्रवाह गंगा नदी में न जाने पाए।